हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईद गोल। तो आज के वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने है बहुत ही टेस्टी डिलिशियस चिकन करी की रेसिपी। तो वीडियो देखने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही क्विक बनने वाली और बहुत ही ईजी एक चिकन करी की रेसिपी दिखाने जा रहे हैं जो इस गर्मियों के सीज़न के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये करी उतना ज़्यादा मसालेदार भी नहीं है तो बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद करेंगे और आप भी इसे बहुत जल्दी बना लेंगे। तो चलिए झटपट इस रेसिपी को देख लेते हैं और इसे संडे ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले ही हमने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल और इसमें हम आलू को पहले फ्राई कर लेंगे। हमने 3 आलू लिए थे तो हमारे लिए तो चिकन करी कभी भी कंप्लीट नहीं होगा विदाउट आलू। तो वी रियली लव आलू गाइस। तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं, मगर आलू रियली मेक्स एनी करी वेरी वेरी टेस्टी। सो अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर आलू डालकर इसे ट्राई कीजिए। आलू को हम गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। देखिए ज़्यादा गैस को मत बढ़ाइए, हम धीरे धीरे ही इन्हें फ्राई करेंगे और जैसे ही इसका कलर ऐसा बन जाए गोल्डन थोड़ा सा तभी हम इसको साइड में निकाल कर रख देंगे, बाद में डालेंगे उसके बाद। और थोड़ा सा ऑयल डालकर हमने इसमें डाला है तेज पत्ता और सूखी मिर्च, इन दोनों को थोड़ा सा फ्राई करते करते ही इसमें डाल देंगे जीरा। हमने 1 टीस्पून जीरा डाला है यहाँ पर। ध्यान में रखें कि कभी भी जीरा यहाँ पर जल ना जाए, गैस को लो कर दीजिए और थोड़ा सा ऐसे चला दीजिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम प्याज। हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, यहाँ पर ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। तो इस रेसिपी के लिए हम प्याज को ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे, वरना हम नॉर्मली प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेते हैं, मगर इस रेसिपी के लिए हम जस्ट प्याज को ट्रांसलूसेंट कर लेंगे ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए और जो स्वीट एक टेस्ट होता है प्याज का वो भी बना रहे। चलाते रहे हुए प्याज को फ्राई करें। तो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, सॉरी गाइस, मगर जैसा कि आप देख सकते हो प्याज यहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो गया है, थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली कलर चेंज हुआ है। इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमने बहुत ही कम लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 टेबलस्पून जितना। उसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर डालिए स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर हमने डाला है 1.5 टीस्पून जितना। हमें थोड़ा सा हीट पसंद है तो इसीलिए हमने लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर इससे कम डालिए। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी हमने 1.5 टीस्पून डाला है। यहाँ पर हम डाल ले रहे हैं चिकन पाउडर, चिकन करी पाउडर, और उसके बाद ही डाल देंगे इसमें टमाटर और ग्रीन चिलीज। टमाटर हमने एक बहुत ही बड़े साइज़ का लिया है और 4-5 हरी मिर्च लिए हैं। तो यहाँ पर टमाटर डालने से ही वो फ्रेशनेस फिर से चला आएगा करी में, और टमाटर का स्वाद करी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसमें डालेंगे हम जीरा का पेस्ट। तो ये हमारा एक बहुत ही फेवरेट फ्लेवर है। तो कच्चा जो जीरा होता है फ्राई मत कीजिए, कच्चे जीरे को ही थोड़ा सा पानी डालकर ऐसे पत्थर में पीस सकते हैं, तो इससे करी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ताकि मसाला सूख ना जाए हमने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। तो इसको ढक देंगे ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो मसाला बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ही इसमें हम डाल देंगे आलू, क्योंकि आलू कुक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कभी कभी। करी में कभी भी हम ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, सो जब भी आप ऐसे करी बना रहे हैं साइड में गर्म पानी उबालने के लिए लगा दीजिए। हमने गैस पर उसे लगा दिया है इस साइड में, और यहाँ पर हमने चिकन को ऐड कर दिया है।
तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। हमने 1 किलो से थोड़ा सा कम यहाँ पर चिकन लिया है और इसको अब ढक देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने रखा है और थोड़ी देर बाद ही खोलकर इसे चला दें। चिकन से थोड़ा सा पानी भी निकला हुआ है यहाँ पर। अच्छी तरह से चलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे मसाले के साथ साथ, ताकि चिकन अच्छी तरह से बिल्कुल कुक हो जाए। ढक कर करके हम इसे अभी ऐसे कुक करेंगे। पहले हम नमक डालना भूल गए थे, तो ज़रूर नमक को पहले ही डालिए, तो चिकन और आलू के अंदर भी नमक अच्छी तरह से घुस जाएगा। देखिए यहाँ पर कलर कितना चेंज हो चुका है। हमने इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही खोलकर थोड़ा थोड़ा करके फ्राई किया है, तो अभी हम उबाला हुआ जो पानी था उसे ही डाल देंगे करी के लिए। तो क्योंकि बहुत ही गर्मी है अभी, तो इसीलिए हम करी को भी ज़्यादा थिक नहीं बनाते हैं, पतला ही करी बनाते हैं। इसीलिए हमने पानी भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ताकि करी थिक ना हो जाए। थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर ही हम इसे ऐसे ही अच्छी तरह से अब बॉईल होने के लिए रख देंगे, और ताकि आलू और चिकन भी अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। अभी ये कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही बहुत ही अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया था। अच्छी तरह से चला दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि कितना कुक हुआ है सारे। और थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर दिया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए 10 मिनट तक कुक होने के बाद हम इसे थोड़ा सा चेक करते हैं चिकन को। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से अलग हो रहा है, पर यानी ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। इसमें अब हम बस थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। अच्छी तरह से चला दीजिए गरम मसाला ऐड करने के बाद। और गरम मसाला ऐड करने के बाद हम गैस को तुरंत ही ऑफ़ कर देते हैं। तो गैस को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर ढक देंगे, ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसे सर्व कीजिए, और इसे रोटी, राइस, नान किसी के भी साथ खाइए, पराठे के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कम टाइम भी लगता है, तो आपको किचन में बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए, और उसके पास वाला बेल बटन भी क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।